नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अनअकैडमी पर अपलोड किए गए सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की कोर्सेज अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आज से मैं अनअकैडमी पर मैथ की क्लास लेने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी ALP, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा मैथ की, तो आप आज जरूर से ऐड हो जाइए, क्योंकि अब रेगुलरली जब तक आपका ALP का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको मैथ की वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। डेली 5 वीडियो कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों, आपके लिए डेली 5 वीडियो प्रोवाइड करवाना, इसलिए आज ही ऐड हो जाइए अनअकैडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपसे बोला है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप भूल कर भी फॉर्म ना भरें, वरना आप पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चे होड़ में फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन बाद में आगे चलकर बहुत पछताते हैं। उसके लिए क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आप ना पछताएं, इसलिए मैं आपको पहले ही से बता देता हूँ। पहली बात तो है आपकी हाइट। जनरल और OBC के लिए मांगी है आपकी 170 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 170। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अराउंड में 169 तक होती है तो वो फॉर्म भर देते हैं, वो इसलिए कि आगे चलकर कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आपकी हाइट नहीं है 170 के इक्वल या इससे ज़्यादा नहीं है तो आप फॉर्म ना भरें, वही बेटर है। क्या फ़ायदा आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम में पास हो जाएं और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके आप बाहर निकाल दिए जाएं तो वो ज़्यादा दुख होता है। इसलिए अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप ना भरें। चेस्ट को लेकर भी यही है, इसमें लिखा है 81 से 85, वो जीरो का मतलब डैश है, 81 से 85 सेंटीमीटर। 81 का मतलब ये है अगर आपका 81 सेंटीमीटर है तो फ्लाव के साथ आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रेस जो है इस बार आपकी 1600 मीटर की रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार आपकी 5 किलोमीटर की थी, अब आपकी 1600 मीटर की है, जिसमें 6 मिनट का आपको टाइमिंग है। लॉन्ग जंप पे आपकी 14 फीट की और हाई जंप पे आपकी 3 फीट 9 इंच की। ये हो गई आपकी जनरल और OBC की बात। अब देख लेते हैं मेल जो आपके ST से बिलोंग्स करते हैं। ST वालों के लिए केवल आपके लिए अगर आपकी 165 हाइट है तो आप भर सकते हैं। चेस्ट में 76 से 80 मांगा है और आपका हाइट रनिंग के लिए तो वही है 6 मिनट और 14 फीट वो है और 3 फीट 9 इंच आपकी लॉन्ग हाई जंप है, ठीक है। फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो आपकी जनरल OBC और SC में आती हैं। जनरल OBC वालों के लिए फ़ीमेल 157। अगर आपके पास इतना नहीं है तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि फॉर्म आप अप्लाई नहीं कीजिए, बेकार में आप परेशान होंगे, ठीक है दोस्तों। और जो 1600 मीटर की दौड़ करने हैं मेल फीमेल को, वो आप 8 मिनट में तय कर सकती हैं और 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट आपकी हाई जंप है। और ST वालों के लिए आपकी 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए और उसके बाद 8 मिनट में आप रनिंग वही है, 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप और 3 फीट आपकी हाई जंप। तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा ना करें, वही बेटर है, ठीक है दोस्तों। इसमें माइनस मार्किंग कितनी होगी आने वाली वीडियो में बता दूंगा मैं। और जो आपकी एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो भी बता दूंगा। और दोस्तों OBC, SC और ST वाले नहीं घबराएं, अगर आपकी एज कम है तो आपको एज में जो डिटेक्शन दिया जाता है, जो आपकी एज में छूट दी जाती है, वो बिल्कुल आपको दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों,
जय हिंद, जय भारत।